हेलो दोस्तों, पीसीआई इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में आपका स्वागत है। आपको देखो औसत के टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि क्रिकेट से संबंधित होते हैं, और यहाँ से अब देखो त्रिवर्षीय क्वेश्चन लेते हैं कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 रन है, 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो आपसे पूछा गया कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए गए। तो इसका अगर बेसिक तरीका देखें तो क्या इसको करना पड़ेगा कि 10 पारियों का औसत 50 है, तो 10 को अपने को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 11वीं पारी में कुछ रन बनाए तो 11 पारी में कुछ रन बनाए तो 2 बढ़ गया, तो 50 में 2 औसत बढ़ेगा तो यहाँ पर औसत हो जाएगा 52। यदि 11 पारियों में से 10 पारी माइनस कर देंगे तो शेष एक बची हुई पारी 11 होगी, और वही अपना क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर अगर 11 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई का एक नियम होता है कि इन दोनों का योग बीच में रख दो, जैसे 5 2 हो गए 7, तो मैं यहाँ पे 572 लिख सकता हूँ। अगर मैं 10 को 50 से गुणा करता हूँ तो 500 होते हैं, और 572 में से 500 घटाया जाएगा तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 72। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि 10 पारियों का औसत था 50, 11वीं पारी एक एक्स्ट्रा खेली गई, तो देखो ये एंट्री वाला क्वेश्चन हो गया कि एक प्रवेश कर गया यहाँ पे, तो इसमें अपन दूसरा तरीका लगाते हैं कि जो पहले वाला औसत है वो तो रहेगा ही रहेगा। वैसे मानो कि रन कितना था 50, ये तो रहेगा ही। अब आगे देखो 11वीं पारी में बल्लेबाज आता है तो औसत रन 2 बढ़ जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक पारी पे 2 रन बढ़ना, तो 11 पारी पे बढ़ जाएंगे 11 गुणा 2, तो ये बढ़ गए 22। तो ये 22 रन एक्स्ट्रा आए 11वीं पारी के कारण, तो इस 50 में अपन 22 ऐड करते हैं तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 72। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आपको बताए जाएंगे।